ऐसी ही और क्रिकेट से जुड़ी वीडियोस देखने के लिए जूनियर क्लब सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली वीडियोस देखने के लिए घंटी के बटन को दबाएं। बेन स्टोक्स ने ओडीआई क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा ट्वीट के जरिए की। सुनिए बेन स्टोक्स ने अपने ट्वीट में क्या कहा। मैं इंग्लैंड के लिए वनडे क्रिकेट में अपना आखिरी मैच मंगलवार को डरहम में खेलूंगा। मैंने इस प्रारूप से संन्यास लेने का फैसला किया है। यह करने के लिए एक अविश्वसनीय रूप से कठिन निर्णय रहा है। मैंने इंग्लैंड के लिए अपने साथियों के साथ खेलने के हर मिनट को पसंद किया है। हमने रास्ते में एक अविश्वसनीय यात्रा की है। यह निर्णय लेना जितना कठिन था, इस तथ्य से निपटना उतना कठिन नहीं है कि मैं अपने साथियों को अब इस प्रारूप में अपना 100% नहीं दे सकता। इंग्लैंड की शर्ट इसे पहनने वाले किसी से भी कम की हकदार नहीं है। तीन प्रारूप अभी मेरे लिए अस्थिर हैं। न केवल मुझे लगता है कि शेड्यूल और हमसे जो उम्मीद की जा रही है उसके कारण मेरा शरीर मुझे निराश कर रहा है, बल्कि मुझे यह भी लगता है कि मैं एक और खिलाड़ी की जगह ले रहा हूं जो जोश और बाकी टीम को अपना सब कुछ दे सकता है। यह किसी और के लिए एक क्रिकेटर के रूप में प्रगति करने और पिछले 11 वर्षों में अविश्वसनीय यादें बनाने का समय है। मैं टेस्ट क्रिकेट को अपना सब कुछ दूंगा और अब इसी के साथ फैसला। मुझे लगता है कि मैं भी T20 के लिए अपनी पूरी प्रतिबद्धता दे सकता हूं। प्रारूप मैं जोश बटलर, मैथ्यू मॉड, खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ को हर सफलता की कामना करना चाहता हूं। हमने पिछले 7 वर्षों में सफेद गेंद वाले क्रिकेट में काफी प्रगति की है और भविष्य उज्ज्वल दिख रहा है। मैंने अब तक खेले गए सभी 104 खेलों को पसंद किया है। मुझे एक और मिला है और डरहम में अपने घरेलू मैदान पर अपना आखिरी गेम खेलना आश्चर्यजनक लगता है। हमेशा की तरह इंग्लैंड के प्रशंसक हमेशा मेरे लिए रहे हैं और आगे भी रहेंगे। आप दुनिया के सबसे अच्छे प्रशंसक हैं। मुझे उम्मीद है कि हम मंगलवार को जीतेंगे और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज को अच्छी तरह से स्थापित करेंगे।